एमएसएमई लोन के नाम पर हो रही धोखाधड़ी, छोटे व्यापारी कैसे बचे, पूरी जानकारी विस्तार से। छोटे व्यापारी जो एमएसएमई के तहत अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या वो लोग जो छोटा व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उनके साथ आए दिन धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे लोगों को एक फोन आता है कि आपका लोन सेंक्शन हो गया है, लेकिन आपको पहले थोड़े पैसे देने होंगे जिससे आगे का प्रोसेस होगा। ध्यान दें, आज इस वीडियो के माध्यम से ओके क्रेडिट उन सभी व्यापारियों से ये कहना चाहता है कि चाहे मुद्रा स्कीम हो, पीएमईजीपी स्कीम हो या कोई और लोन लेने की स्कीम, किसी भी स्कीम में लोन लेने के लिए कोई भी बैंक या इंस्टीट्यूट कोई भी किसी भी प्रकार का पैसा पहले नहीं मांगता है। जो भी बैंक इंस्टीट्यूट आपको लोन दे रहा है वो प्रोसेसिंग फीस तो चार्ज करेंगे, लेकिन तब जब आप उनको पूरे पेपर देंगे, आप उनके अपने अकाउंट खुलवा लेंगे, उस अकाउंट में वो पैसा डाल देंगे, वहां से वो प्रोसेसिंग फीस ले सकते हैं। लेकिन लोन देने के नाम पर या लोन देने की बात पर बैंक या इंस्टीट्यूट किसी भी तरह का पैसा पहले नहीं मांगता। इस वाक्य पे ध्यान दें क्योंकि ये आपके साथ भी हो सकता है। आपको बता दें कि ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने किसी ना किसी बैंक में या इंस्टीट्यूट में जो लोन देते हैं वहां लोन के लिए अप्लाई किया, अप्लाई करने के 3 से 10 दिन के अंदर उनके पास बैंक के नाम से या फाइनेंस डिपार्टमेंट के नाम से एक मेल आता है और कुछ लोगों को लेटर आता है जो हूबहू ओरिजिनल लगता है, जिसमें लिखा होता है आपके द्वारा जो लोन अप्लाई किया गया था वो सेंक्शन हो गया है, आपको कुछ राशि इस नंबर पर जमा करवानी है जिससे हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। इस तरह से कोई भी संदेश लिखा हुआ हो सकता है जिसमें 8,000 या 50,000 तक की भी डिमांड हो सकती है। उतना ही नहीं, कुछ लोगों को तो अलग अलग तरह के मेल और लेटर आ रहे हैं जिसमें वो इंश्योरेंस के नाम पर, ट्रांसफर चार्जेस के नाम पर भी या कुछ और नाम पर पैसा मांग रहे हैं। यदि आपने किसी भी प्रकार के लोन के लिए अप्लाई किया है और आपके पास भी कोई ऐसा लेटर या मेल आता है तो तुरंत आप उस लेटर या मेल के साथ बैंक या इंस्टीट्यूट जहां भी आपने अप्लाई किया है वहां पहुंचें और सारी जानकारी हासिल करें, क्योंकि लोन देने के नाम पर या लोन देने की बात पर बैंक या इंस्टीट्यूट किसी भी तरह का पैसा पहले नहीं मांगता। आप चाहें तो एमएसएमई हेल्पलाइन नंबर पर जाकर मदद मांग सकते हैं या पुलिस की भी सहायता ले सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के किसी भी मेल, एसएमएस, फोन कॉल या लेटर से सावधान रहना और आपने जहां भी लोन के लिए अप्लाई किया है वहां शिकायत दर्ज करानी है, उनकी सहायता लेनी है। आपको ओके क्रेडिट ये दावे के साथ कह सकता है कि किसी भी प्रकार के लोन के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी राशि पहले नहीं मांगी जाती है। यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो सीधे बैंक पहुंचे, वहां जाकर अधिकारियों से बात करें जो इस मामले को देखते हैं, वहां पर लोन से जुड़ी सभी जानकारी हासिल करें, अपने डॉक्यूमेंट जमा करें और वहीं पर यदि वो कोई प्रोसेसिंग फीस मांगते हैं तो दें, लेकिन बिना किसी जानकारी या बैंक ना जाकर के कोई राशि ना दें। यदि आप इस बात पर सावधानी पूर्वक काम करते हैं और होशियार रहते हैं तो आप इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।